बाइक मॉडिफिकेशन में होने वाला है आज हमारा दूसरा ब्लॉग। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था जीपीएस माउंट इंस्टॉलेशन, लेकिन उस टाइम जो मोबाइल होल्डर है मेरे पास डिलीवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। लेकिन आज वो प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। बाय द वे भैया जी नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर चेक कीजिए, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो बोबो कंपनी का है, जो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। तो उस प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड अपने वीडियो में नहीं मतलब अपने बाइक पे जाके उसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा बोबो का मोबाइल होल्डर जो काफ़ी अच्छा है। मैंने ये केस वाला मंगवाया क्योंकि ओपन जो क्लिप वाला रहता है वो मुझे ज़्यादा सेफ फील नहीं करवाता। बाय द वे ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आ जाता है अपना फ़ोन और ये जाता है ऐसे। वाह, तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से तो मैं देख ही सकता हूँ। ये प्लास्टिक मैं बाद में हटाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं अपना कैमरा से रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। ज़्यादातर मेरे काम की चीज़ है नहीं लेकिन कभी इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नॉब है, ठीक है, ये है वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए। ये दोनों वेरियंट पर आता है, एक होता है ये इसके अलावा जो थोड़ा कम प्राइस में आता है, और वाइब्रेशन ये जो थोड़ा रिड्यूस करते हैं। ये मुझे पता नहीं कितना काम करेगा लेकिन ये लगाने के बाद ही पता चलेगा। और उसके साथ आया ये, तो चलिए चलते हैं इसको अपने बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। तो भैया जी कुछ इस तरीके से हमारा जो मोबाइल होल्डर है यहाँ पर सेट होगा। तो जो क्लंप है तो उस क्लंप को पहले हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। बस इसको थोड़ा सा और टाइट कर देंगे एंड हियर वी गो। तो थोड़ा हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा पीछे वाला प्लास्टिक। करो इसको पास, खुल गया सिम से। तो बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है एंड इसको लगाने से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो लुक है वो और भी बेहतर आ रहा है। और जब मैं राइड करूँगा उस ड्यूरिंग मुझे बार बार नीचे देखना नहीं पड़ेगा एंड जीपीएस मैप देखना भी इजी हो जाएगा एंड बहुत ही इजी है इसको इंस्टॉल करना। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए निकलेंगे, तो चलिए चलते हैं बाहर जाके इसको राइड करके देखते हैं कि इसमें कैसा लग रहा है, कैसा व्यू आ रहा है इस पर। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भैया जी हम आ चुके हैं इसके टेस्टिंग करने के लिए और जहाँ से मैं इसको देख पा रहा हूँ तो मुझे इसकी गजब का एक व्यू देखने को मिल रहा है। कुछ अलग ही लग रहा है इसको देख के मुझे, और कहीं मुझे इसको लेके लग ही नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन लगाया है। मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कोई डिस्प्ले लगाया है एंड इसको लगाने के बाद यहाँ का लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि आप लोगों को GoPro में कितना ये जस्टिफाई हो रहा है एंड मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा GoPro में फुटेज जो ब्लॉक हो रहा है इसके लिए शायद मुझे बाद में कैमरे के एंगल को थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ इससे मुझे कोई भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। खासकर मुझे लग रहा है कि इससे मुझे आने वाले ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा,
पहले क्या होता था कि जब भी हम हैंडल बार में अपना फ़ोन माउंट करते थे ना, तो हमें बार बार नीचे देखना होता था एंड फिर सामने की ओर देखना पड़ता था, तो ये थोड़ा मेरे लिए एक थोड़ा हैट्रिक एक प्रॉब्लम लगता है। लेकिन जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर फ़ोन लगाने के बाद, तो मैं एकदम से सामने का व्यू और अपना नेविगेशन दोनों चेक कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। बाकी आप अपना सोच रखते हैं, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो भैया जी आप लोगों ने तो इसका शॉर्ट्स देख ही लिया है, तो आई होप आपको एक अंदाज़ा तो समझ में आ ही चुका है कि इसका कैसा लुक है, क्या है, एंड बस यही तक था ये छोटा सा मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अगर आप ये जो मोबाइल होल्डर है बोबो का, तो ये अगर आप जो कहते हैं वाइब्रेशन कंट्रोल जो इसमें सिस्टम लगाया है इसके पीछे वो वाला लेते हैं, तो इसका प्राइस आएगा 2399। ठीक है, और अगर विदाउट वाइब्रेशन वो सिस्टम अलावा अगर लेते हैं, दो वेरिएंट आते हैं, तो विदाउट अगर लेते हैं तो 2000 में आ जाता है, 199 करके ऐसा प्राइस। तो दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो अगर आपको पसंद आए। और पिछले वीडियो में मैंने वाइजन का ये जो GPS माउंट है इसका प्राइस मैंने बोलना ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो ये भी आपको 1200 से 1300 के लगभग ऐसे प्राइस में आ जाएगा। तो इस वीडियो में भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वो आप परचेस कर सकते हो। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने इसका डिटेल मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे यूट्यूब में मिला नहीं, तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे लेना चाह रहा है तो ज़रूर इसे ले सकता है। तो उसी के ऊपर इसलिए मैंने इसको डिटेल में वीडियो बनाया। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक राइड पे अच्छे से इसका उपयोग करते हुए। तब तक के लिए बस टाटा बाय बाय, एंड दिस इज़ योर विलवर साहिल साइनिंग ऑफ।